नहीं देखिए, नीतीश कुमार ने कल जिस प्रकार का बयान दिया महिलाओं के सामने, एक सड़क छाप बयान है। एक मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा नहीं है कोई इस प्रकार का घटिया हल्का और सेक्सिस्ट रिमार्क जो है वो करे। ये बात ठीक है कि महिलाओं को शिक्षित करने से परिवार नियोजन को बढ़ावा मिलेगा या प्रजनन दर को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पुरुषों के बारे में जो हल्की टिप्पणी की हुई महिलाओं के बीच के अंदर, तो ये बहुत ही अपमानजनक है, बेहद दुखद है। अब पता नहीं नीतीश कुमार को क्या हो गया, पहले तो इस प्रकार के नहीं थे, अब वो कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। एक हमारी बीजेपी की MLA हैं निक्की हेम्ब्रम, उनको कह दिया कि आप बहुत सुंदर हैं। अब किसी महिला को इस प्रकार का सार्वजनिक तौर पर कहना, या जो पिएगा मरेगा, या कल जिस प्रकार से परिवार नियोजन के मुद्दे पर जो उन्होंने टिप्पणी की है, तो ये सड़क छाप टिप्पणी से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती है। तो नीतीश जी को ऐसी अभद्र अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी के लिए बिहार की महिलाओं से और क्षमा मांगनी चाहिए। बिहार में लगातार पीने के लिए अपोजिशन दावेदारी पेश कर रहा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार के CM नीतीश कुमार के लिए PM पद के उम्मीदवार के तौर पर दावेदारी पेश की है। देखिए, ललन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यू के, उनका बयान का अर्थ होता है पार्टी का अधिकृत बयान। जैसे अगर नड्डा जी कुछ बोलते हैं तो इसका मतलब है कि BJP का अधिकृत बयान है, या खड़गे साहब कुछ अगर बोलते हैं तो। एक और नीतीश जी कहते हैं मैं दावेदार नहीं हूँ, दूसरी ओर उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है जो पार्टी का अधिकृत बयान माना जाएगा कि वो दावेदार नहीं है। वास्तव में तो उनके मन में तो लड्डू फूट रहा है कि हम एक दिन के लिए भी क्यों ना हो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, और सारा प्रयास तो उसी दिशा में है। लेकिन कोई दावेदार कभी नहीं कहता है कि मैं दावेदार हूँ, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ या प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ, लेकिन केवल दावा करने से तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। और इस समय इस देश के अंदर विपक्ष में कम से कम एक दर्जन प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, वो चाहे ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, नीतीश कुमार हों, अखिलेश यादव हों, चाहे KCR हों, HD कुमार स्वामी हों, CPM का कोई नेता हो, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। लेकिन क्या देश के अंदर देवगौड़ा जैसा प्रधानमंत्री चाहिए देश को, या इंद्र कुमार गुजराल जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो 2 महीना 3 महीना 4 महीना ही केवल अपना कार्यकाल कर पाए जो है। तो देश को इस प्रकार के कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल देश अब दोबारा देखना नहीं चाहता है, तो इसलिए लाख प्रयास करने, इसलिए बात तो सही है